क्या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि आपने जब WhatsApp अकाउंट बनाने की कोशिश की तो आपका WhatsApp नंबर और WhatsApp अकाउंट मुकम्मल तौर पे बैन हो चुका है? ये क्यों प्रॉब्लम आपको मिल रही है, क्यों ये आपका WhatsApp नंबर और WhatsApp अकाउंट बैन हो चुका है, तो आज की वीडियो में A to Z बताऊंगा और आपको इसका सलूशन भी बताऊंगा कि आपने कैसे अपने WhatsApp नंबर को और WhatsApp अकाउंट को अनबैन करना है। तो आजकल मुझे WhatsApp के ऊपर बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं और वीडियो में कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारा व्हाट्सएप नंबर बैन हो चुका है, इसको हम कैसे अनबैन करें। लेकिन ये जो प्रॉब्लम आपको मिल रही है इसकी कुछ गलतियां हैं जिसकी वजह से आपका जो व्हाट्सएप नंबर है वो बैन हो रहा है। क्यों बैन हो रहे हैं? क्योंकि आप लोग थर्ड पार्टी की एप्लीकेशन यूज करते हैं, जैसे कि GP व्हाट्सएप यूज करते हैं, FM व्हाट्सएप यूज करते हैं, यो व्हाट्सएप यूज करते हैं और भी बहुत सारी जो व्हाट्सएप है इन तमाम एप्लीकेशन का यूज करते हैं जिसकी वजह से आपका व्हाट्सएप नंबर बैन हो जाता है। और आपको ये भी बता दूं कि आप लोग थर्ड पार्टी की जो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं ये आपका जो डाटा है वो लीक करते हैं, ये आपका डाटा जो है वो स्केयर नहीं है। आपका जितना भी डाटा होगा, जो भी आपकी चैट होगी, जो भी कुछ होगा वो इनके पास मौजूद होता है। लेकिन आप लोग अपने आप को बचाने के लिए इन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, जैसा कि ऑनलाइन सीन किसी को दिखाई ना दे, डबल टिक किसी को दिखाई ना दे, इस तरह के फीचर्स को यूज़ करने के लिए आप अपने आप का नुकसान करते हैं। चलो कोई नहीं, आप बात करते हैं कि आपका जो WhatsApp नंबर बैन हो चुका है उसको आप लोग कैसे अनबैन कर सकते हैं। आपने सिंपल अपने मोबाइल फोन के अंदर गूगल क्रोम को ओपन करना है, ओपन करने के बाद सर्च बार पे टाइप करना है WhatsApp कंटेंट। तो जब ये लिख के सर्च करते हैं तो आपको फर्स्ट नंबर पे ये WhatsApp की वेबसाइट मिलती है, आपने इसके ऊपर टाइप करना है और यहाँ पे ये एक न्यू पेज ओपन होगा। तो आपने थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे सबसे पहले तो आपने अपना जो WhatsApp नंबर है जो बैन हुआ है वो नंबर यहाँ पे इंटर करना है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आपने कंट्री कोड को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपने जो नंबर है आपका जो बैन हुआ है वो नंबर यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना और यहाँ पे आपने अपनी जीमेल इंटर कर देनी है और इसी तरह से कंफर्म पे भी टैप करके अपनी जीमेल को इंटर कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना और यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल फोन है, जैसे कि आईफोन है या फिर एंड्रॉयड फोन है, तो आपने उसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना और यहाँ पे आप लोगों ने अपनी जो अपील है वो यहाँ पे इंटर करनी है। जैसा कि यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और आपको ये लिखा हुआ टेक्स्ट जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आपने कॉपी करना है और उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और उसके बाद सिंपल आपने नीचे ग्रीन ऑप्शन के ऊपर टैप कर देना है और उसके बाद एक न्यू पेज ओपन होगा, तो यहाँ से आपने सेंड क्वेश्चन के ऊपर टैप कर देना और आपकी जो अपील है वो सेंड हो जाएगी। तो आप लोगों को 24 घंटों के अंदर आपका जो व्हाट्सएप नंबर होगा वो यहाँ पे अनबैन हो जाएगा। उसके बाद आप दोबारा से WhatsApp अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपका 24 घंटों के अंदर WhatsApp नंबर अनबैन ना हो तो आपने क्या करना है कि इसी तरह से 2-3 मोबाइल फोन का यूज करते हुए आपने अपील कर देना है और इंशाल्लाह आपका WhatsApp नंबर अनबैन हो जाएगा।